हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपना चल वॉक के बाबा के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लॉकडाउन लर्निंग सीरीज लेके चल रहे हैं। इससे पहले मैं 4 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ आके देखिए। काफ़ी अच्छे वर्ड्स कवर किए हैं। इस वॉक के वीडियो के अंदर भी हमने 5 वर्ड्स कवर किए हैं। काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है फ्रेंड्स। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। इसी तरीके से आप और हम बने रहेंगे और इसी तरीके से लर्निंग करते रहेंगे, और ऐसी वीडियो और मिलते रहे उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वर्ड है एक्मे। एक्मे का मतलब होता है टॉप ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का ऊपरी हिस्सा, वो कहलाएगा एक्मे। ये एक प्रकार का नाउन है। कैसे याद रखोगे? देखो, ये लड़की जो है ये लैक्मे क्रीम लगा रही है, तो इसकी ट्रिक है लैक्मे। कैसे याद रखोगे? लैक्मे लगाओ एक्मे पड़ जाओ, लैक्मे लगाओ एक्मे पड़ जाओ। मतलब ये लड़की ने क्या किया, लैक्मे क्रीम लगा लगा के क्या गई, टॉप पे पहुंच गई, टॉप की सेलिब्रिटी बन गई है। तो लैक्मे लगाया इसने और कहाँ गई, एक्मे पर गई। तो लैक्मे लगाओ एक्मे पर जाओ, तो एक्मे का मतलब क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। एग्जांपल क्या होगा देखते हैं। राम इज एट हिज एक्मे दिस टाइम, मतलब राम क्या है, अपने चरम स्तर पर है इस वक्त। राम इज एट हिज एक्मे, एक्मे क्या है, नाउन। अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ या ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शब्द बोले या बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ करे, वो कहलाएगा वर्बोज। जैसे इस लड़की को देख रहे हैं, ये फ़ोन पे घंटों घंटों बोले जा रही है, बात करती जाती है ना, तो ये क्या कहलाएगी, वर्बोज। ओके, जैसे क्या, कोई व्यक्ति थोड़ी सी बात के लिए बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं वर्बोज स्टाइल, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। माई बॉस इज़ अ वर्बोज स्पीकर। वर्बोज स्पीकर मतलब सार की बात ना कह के इधर उधर की सारी बातें करना, वो कहलाएगा वर्बोज, ठीक है। ये एक प्रकार का एडजेक्टिव, मतलब नाउन की विशेषता बताएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल या इफेक्टिव, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो उसके लिए यूज होता है पोटेंट, ठीक है। कैसे याद रखोगे, ये एक एडजेक्टिव है, कैसे याद रखोगे, पॉट यानी कोई गमला गुलदस्ता या मिट्टी का कोई बर्तन, एंट यानी चींटी। तो चींटी जो है इतनी पावरफुल हो गई कि पॉट को उठा कर ले जा रही है, जैसे इसमें देख रहे हैं एक बड़ा सा कोई चीज़ उठा कर ले जा रही है एंट। तो एंट इतनी पावरफुल हो गई कि पॉट को उठा के ले जा रही है, मतलब एंट क्या हो गई, पोटेंट हो गई, मतलब पावरफुल हो गई, इफेक्टिव हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द वैक्सीन इज क्वाइट पोटेंट, मतलब जो वैक्सीन बनाई है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाई है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो। तो पोटेंट का मतलब क्या है, पावरफुल इफेक्टिव। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एलिनिएट, मतलब किसी भी चीज़ को दूर कर देना, अनफ्रेंडली कर देना, अपने आप से अलग कर देना, उसके लिए वर्ड यूज होता है एलिनिएट। देखो कैसे याद रखोगे, ये लोग क्या है, एलियन है, तो एलियन हमको दिख भी रहा है और एलियन हमसे क्या है, बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो सिंपल से याद रख सकते हैं एलिनेट का मतलब मेक अनफ्रेंडली और दूर करना। एग्जाम्पल देखो। हिज बैड बिहेवियर एलिनेटेड मैनी फ्रेंड्स, उसके बैड बिहेवियर ने, उसके व्यवहार ने क्या कर दिया, उसको अपने दोस्तों से अलग कर दिया। एलिनेट का मतलब क्या हो गया, अलग करना, वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज होना, जैसे लिखा है ना, नाउन है एक प्रकार का। कंप्लीटनेस या अबेंडेंस, अबेंडेंस पहले कवर कर चुके हैं हम। अबेंडेंस का मतलब भी क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में कोई चीज होना। तो कैसे याद रखेंगे इसको, देखो प्लेनिट्यूड, देखो कोई मेरे से पूछते हैं क्या पैसे हैं क्या, प्लेंटी है ड्यूड, मतलब प्लेंटी है ड्यूड, प्लेंटी ड्यूड का मतलब बहुत सारा पैसा है ऐसा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज गैदर्ड अ प्लेंटीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन दिस वीक, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी और प्लेंटीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली इस वीक, है ना। तो ये थे आज के 5 वर्ड्स। ऐसे ही इसी प्रकार के वर्ड सीखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।